गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन 6 एंड द नेम ऑफ द लेसन 6 इज ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट रिटन बाय सुजैन ही। देखिए लेसन का नेम ऑन द फेस ऑफ इट इसलिए रखा गया बिकॉज इन दिस लेसन एक बॉय है डैनी, हिज माउथ इज वाइड फ्रॉम वन साइड एंड बिकॉज ऑफ दिस दिस इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन हिम। इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर, वो किसी के पास जाता नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी लेसन। देयर आर टू मेन फैक्टर्स बेटा। फर्स्ट इज मिस्टर लैंग। मिस्टर लैंग इज एन ओल्ड मैन विद अ टिन लैग। देखिए वॉर, ड्यूरिंग द वॉर हिज वन लैग, उसकी एक लात ब्लैक डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसकी जो लेग है वो किस चीज़ की बनी हुई है, टीन की बनी हुई है। एंड ही हैज अ गार्डन ऑल्सो, एप्पल गार्डन, इसका एप्पल का गार्डन है। सेकेंड है डैरी। देखिए डैरी एक यंग बॉय है 14 ईयर्स का। हिज फेस बर्न विद एसिड, एसिड से इसका एक तरफ का फेस जल गया था। फ्रॉम दैट डे ही हैज इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ही डिड नॉट वॉन्ट टू मीट एनीबडी एल्स। ही डिड नॉट प्ले विद अदर चिल्ड्रन। जहाँ पे उसको भीड़ दिखाई देती है ही नेवर गोस देयर, वहाँ कभी भी नहीं जाता। नाउ बेटा इन दिस लेसन द होल स्टोरी इज डिवाइडेड इन टू 3 पार्ट्स। जो पूरी स्टोरी है 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट पार्ट इज वेरी लॉन्ग। द होल स्टोरी इज बेस्ड इन द फर्स्ट सीन। फर्स्ट सीन इज द लैंड गार्डन। जो फर्स्ट सीन है वो लैंड के गार्डन का है। एंड सेकेंड सीन इज डिस्क्राइब इन डेरी हाउस। सेकेंड सीन है जो डेरी के हाउस का है। एंड थर्ड सीन ऑल्सो लैंड गार्डन। देखिए दो सीन है, फर्स्ट और थर्ड वो लैंड के गार्डन के हैं। जो सेकेंड सीन है वो डेरी के हाउस का है। नाउ फर्स्ट सीन लैंड गार्डन। वन डे जो डेरी है, डेरी सीक्रेटली एंटर्ड इन लैंड गार्डन। दीवार को फांद के लैंड के गार्डन में एंट्री कर जाता है बिकॉज ही वांट टू ईट एप्पल्स, एप्पल खाने के लिए। बट व्हेन ही एंटर इन द गार्डन ही सा दैट समबडी इज वॉचिंग मी, कि कोई मुझे देख रहा है। ही सा दैट अ ओल्ड पर्सन इज सिटिंग ऑन द ट्री, अंडर द ट्री एंड ही इज वॉचिंग हिम। ही बिकेम अफ्रेड। ही वॉन्टेड टू रन फ्रॉम देयर बट ही डिड नॉट रन। ही स्टिल स्टैंड अप देयर, वहाँ खड़ा रहता है। देन मिस्टर लैम केम देयर। तो मिस्टर लैम वहाँ आते हैं, वो उस लड़के को कहते हैं, बॉय को, डैरी को कहते हैं, केम हेयर एंड सिट विद। उसको लगता है कि मेरे को गुस्सा करेंगे, बट ही डिड नॉट थ्रेटन हिम, ही डिड नॉट रिब्यूक हिम, ना उसको डांटते हैं ना उसको गुस्सा करते, उसको अपने पास कुछ बुलाते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो हिज नेम बट डैरी डिड नॉट टेल हिज नेम। अपना नाम नहीं बताता, ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था। देन डैरी टोल्ड हिम दैट आई अवॉइड पीपल, आई डिड नॉट लाइक टू मीट पीपल। देन लैम आस्क्ड हिम व्हाई, व्हाई यू अवॉइड पीपल, व्हाई यू डोंट वॉन्ट टू पीपल। देन ही टोल्ड हिम दैट माई हाफ फेस इज बर्न्ट एंड बिकॉज ऑफ माई बर्न्ट फेस ऑल पीपल ऑल चिल्ड्रन गिव सिंपथी टू मी, दे गिव दे मेक फन ऑफ मी एंड आई डिड नॉट लाइक दैट। आफ्टर दिस जो लैम्प थे, लैम्प उसे पूछते हैं हाउ डेयर यू बर्न दिस फेस, कि तुम्हारा फेस कैसे जल गया। देन दे रिप्लाइड दैट कि जो एसिड था, वन डे एसिड फेल ऑन माई फेस बर्न्ड एंड ये बहुत ज़्यादा जलन हुई, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। ऑन दैट डे आई नेवर मेट टू एनीबडी, उस बात से मैं किसी से भी नहीं मिला। तो वो उसको कहता है जो डैरी है, डैरी टोल्ड लैम दैट योर गार्डन। देखिए उसने इतनी बात कभी किसी से नहीं की थी जितनी आज वो लैम से कर रहा था। लैम के साथ उसकी अच्छी दोस्ती बनती जा रही थी। लैम को कहते हैं योर गार्डन इज नॉट अ नॉर्मल गार्डन, इट्स नॉट अ एप्पल गार्डन, इट्स अ वीड गार्डन, वीड गार्डन है। तब जो मिस्टर लैम है, मिस्टर लैम कहते हैं देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आई डोंट केयर इट्स वीड गार्डन इट्स एप्पल गार्डन,
कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वीट गार्डन है या एप्पल गार्डन है, क्योंकि कहता मुझे पता है बच्चे यहाँ आते हैं, आई फील प्राउड टू मीट हिम, कहता मुझे अच्छा लगता है उनसे मिल के। उसको कहता है कि तुम भी थोड़ी देर यहाँ बैठो, आफ्टर सम टाइम अदर चिल्ड्रन केम और मैं तुम्हारी उससे दोस्ती करवाऊँगा। बट डैडी टोल्ड हिम दैट नो आई डू नॉट वॉन्ट टू मीट एनीबडी एल्स, कहता मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहता। देन लैम उसको कहता है वाई आर यू फील सो शेम ऑन यू, कहते तुम्हें अगर तुम्हारा फेस खराब हो गया तो इसमें तुम इतना गंदा फील क्यों कर रहे हो। कोई बात नहीं, हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, कंप्लीट कोई भी नहीं होता, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा फेस हिल गया तो तुम्हारे अंदर देयर आर सो मैनी क्वालिटीज इन यू। देन लैम टोल्ड हिम दैट आई एम लेगलेस, मेरी लेग है ही नहीं, इन अ वार आई लॉस्ट माई लेग्स एंड माई लेग्स आर टीन लेग्स, कहते मेरी जो लेग है वो टीन की है। चिल्ड्रन कॉल मी लैम, लैमी लैम, कहते बच्चे मुझे लैमी लैम कहकर बुलाते हैं। बट आई नेवर फील एंग्री ऑन हिम, आई एंजॉय दैट मोमेंट, कहते मैंने कभी गुस्सा नहीं किया इस बात में कि वो मुझे लैमी लैम कहते हैं, मैं इंजॉय करता हूँ उस मोमेंट को। सो यू शुड ऑल्सो इंजॉय दैट गॉड गिव्स अस, दैट गॉड प्रोवाइड अस, वी शुड इंजॉय दैट मोमेंट, वी शुड नॉट फील अशेम्ड ऑन दैट। आफ्टर दिस लैम रिमाइंड डेरी ऑफ द फेल्ड डे, जो लैम था लैम डेरी को एक फेल्ड डे की स्टोरी याद करवाता है जिसका नाम था ब्यूटी एंड बीस्ट। ही टोल्ड हिम अ स्टोरी, उसको स्टोरी सुनाता है दैट वन डे अ प्रिंसेस फेल इन लव विद अ बीस्ट, बीस्ट से प्यार करने लगती है। शी डिड नॉट लाइक हर फिजिकल ब्यूटी, शी लाइक हर इंटरनल ब्यूटी, उसकी इंटरनल ब्यूटी से प्यार करती थी वो। व्हेन शी किसेस हिम ही बिकम अ प्रिंस ब्यूटीफुल बॉय, जब उसको किस करती है तो एक ब्यूटीफुल बॉय में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से वी शुड लव एवरीथिंग, वी शुड लव एक्सटर्नल ब्यूटी, इंटरनल ब्यूटी नॉट द एक्सटर्नल ब्यूटी, बिकॉज इंटरनल ब्यूटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सटर्नल ब्यूटी। तो जो डैडी था, डैडी बिकेम हैप्पी टू हियर दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, इस तरह के वर्ड सुन के वो खुश होता है। आफ्टर दिस लैम एडवाइज हिम नॉट टू अफ्रेड एनीबडी एल्स, यू शुड मीट टू एवरीबडी, यू शुड प्ले विद द चिल्ड्रन, उसको इस तरह की बातें समझाता है। नाउ लैम्स फिलोसफी, लैम अपनी फिलोसफिकल बातें करता है कि अगर मैं भी ऐसा होता तो क्या होता, मैं सबसे कट ऑफ हो जाता, किसी भी बच्चे से ना मिलता मैं अपने जो गार्डन है उसके डोर क्लोज कर सकता था। बट आई बिकेम लोनली देन, मैं अकेला रह जाता, बट माई डोर्स आर ओपन फॉर एवरीबडी, सबके लिए ओपन है, इसी वजह से तुम भी एंट्री कर सके। तो उसकी बात सुन के जो लैम डेरी है उसको अच्छा रिलैक्स फील करता है। बट ही टोल्ड हिम दैट माई पेरेंट्स आर वरीड अबाउट मी, दे थॉट दैट आई कांट डू एनीथिंग, दे समटाइम्स रियलाइज मी दिस, आई एम नॉट अ नॉर्मल बॉय, आई एम मैं एक अपवाद हूँ, मैं एक गलत, उनके लिए मैं अच्छा नहीं हूँ। बट लैम कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हें वैसे ही ये बातें करते हैं, रियलिटी में वैसा नहीं सोचती। नाउ डायरेक्टली हेट सम पीपल, कि मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो मेरे ज़्यादा सिंपथी रखते हैं, दे मेक फन ऑफ मी, कहता मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नाउ लैम टोल्ड हिम दैट सीग्रेशन ऑफ फिजिकल चैलेंजेस, कि हमें जो फिजिकल चैलेंजेस हैं उनके ऊपर काबू पाना चाहिए, क्योंकि गॉड ने जो चीज़ हमें दे दी वी शुड एक्सेप्ट दैट, वी कांट रिग्रेट दैट आई एम लैम, आई एम ब्लाइंड, आई एम हैंडीकैप्ड, नो वी आर कंप्लीट, वी आर ह्यूमन बीइंग, हमें सबसे दिल से प्यार करना चाहिए। दिस इज द सीन, देखिए अब बेटा दे वांट्स टू हेल्प मिस्टर लैम, नाउ मिस्टर लैम टोल्ड हिम दैट आई वांट टू पिक अप दी एप्पल्स, मुझे अब एप्पल तोड़ने हैं। देन डैडी तो देन डैडी टोल्ड हिम दैट आई विल हेल्प, कहता कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वांट टू गो टू हिज होम, अपने घर जाना चाहता था, अपनी मदर को इन्फॉर्म करना चाहता था। दिस इज द सीन वन बेटा। नाउ सीन टू में डैडी वेंट टू हिज हाउस, अपने घर जाता है, हर मदर आस्क हिज मदर आस्क हिम वेयर वर यू, ही टोल्ड हिम दैट आई वॉज इन द गार्डन ऑफ लैम, एंड ही टोल्ड द होल स्टोरी। देन
आर मदर बिकेम वरीड, वो कहती कि नहीं तुम वहाँ मत जाना, लेकिन वो कहता है कि नहीं आई विल गो देयर। तो उसकी मदर को कह के बिना बताए, क्योंकि उसकी मदर गुस्सा हो रही थी, बिना बताए वहाँ से भाग आता है। और देखिए सेकंड सीन है वो बहुत ही छोटा सा है। व्हेन ही रीच इन द थर्ड सीन स्टार्ट होता है बेटा, व्हेन देयर रीच द लैम्स गार्डन ही सॉ दैट लैम वाज सिटिंग नियर द लैडर, सीढ़ी के पास बैठा था। ही एंटर द गार्डन, जब गार्डन में एंटर करता है तो लैम्प को क्या करता है, वो पुश करता है, लैम्प फेल डाउन हो जाता है नीचे। ही वो सरप्राइज टू सी लैम्प, लैम्प को देखता है, उसकी सांसों को उसके हाथ पकड़ के देखता है। ही वाज डेड, मर चुका था जो मिस्टर लैम्प था, उसकी डेथ हो चुकी थी। देन देयर फील वेरी शेम ऑन हिम, उसको लगता है कि एक ही तो पर्सन मेरा फ्रेंड बना था जिसने मुझे एक लाइफ के बारे में सिखाया और आज मैंने उसको भी खो दिया। दिस इज द स्टोरी बेटा, दैट स्टोरी इज डिवाइडेड इंटू थ्री फेजेज। फर्स्ट फेज है जो लैम्प के गार्डन का है, सेकेंड फेज डेरिस के हाउस का है, और जो थर्ड फेज है अगेन लैम्प के हाउस गार्डन का है, वेयर ही लाइन डेड, जहाँ वो मरा हुआ पड़ा था। यू हैव टू रीड दिस लेसन एट होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।